करवा चौथ के 16 श्रृंगार इस प्रकार हैं। सबसे पहले नंबर पर है बिंदी। बिंदी महिलाओं के 16 श्रृंगार का बहुत ही खास हिस्सा है। माथे पर सजी बिंदी सुहागनों के भाग्योदय का प्रतीक माना जाता है। दूसरे नंबर पर है सिंदूर। शादीशुदा महिलाओं का श्रृंगार सिंदूर के बिना बिल्कुल अधूरा है। इसे सुहागनों के सौभाग्य का प्रतीक समझा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है मंगलसूत्र। गले का मंगलसूत्र मंगल का आशीर्वाद देता है। मंगलसूत्र भी श्रृंगार का खास हिस्सा होता है। एक महिला जब तक सौभाग्यवती रहती है तब तक वह इसे पहनती है। चौथे श्रृंगार के सामान में आता है मेहंदी। मेहंदी लगाने का शौक लगभग सभी महिलाओं को होता है। 16 श्रृंगार में मेहंदी या आलता को महत्वपूर्ण माना गया है। पाँचवें नंबर पर आता है शादी या सगाई की अंगूठी। शादी की रस्मों की शुरुआत ही अंगूठी से होती है। इसे भी 16 श्रृंगार में खास माना जाता है। छठवां श्रृंगार का सामान है नथ। नथ को नथनी भी कहा जाता है। करवा चौथ पर नाक में सोने या चांदी का तार या लौंग पहननी चाहिए। इससे न केवल सुंदरता बढ़ती है बल्कि बुध ग्रह का दोष भी समाप्त होता है। सातवां श्रृंगार का सामान है मांग टीका। करवा चौथ के 16 श्रृंगार में मांग टीका भी शामिल है। माथे पर सजा मांग टीका सुहागिनों की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। आठवां श्रृंगार का सामान है चूड़ियाँ। हाथों में छनकती चूड़ियाँ हर सुहागिन का सबसे खास श्रृंगार है। नौवें नंबर पर है पायल। पैरों में पहनी जाने वाली चांदी की पायल सबसे उत्तम और शुभ मानी जाती है। दसवां श्रृंगार का सामान है बिछिया। पैरों की उंगलियों में पहनी जाने वाली बिछिया सुहागिन महिलाओं की पहचान होती है। बिछिया भी चांदी की ही सबसे शुभ मानी गई है। श्रृंगार के सामान में 11 नंबर पे झुमका भी है। बाकी गहनों की तरह झुमके कुंडल भी सुहागिन महिलाओं की शोभा बढ़ाते हैं। सुहाग की चीज़ों में 12वां नंबर है कमरबंद। करवा चौथ पर कमरबंद भी सुहागिन महिलाओं की सुंदरता को 4 चांद लगाता है। 13वां श्रृंगार का सामान है बाजूबंद। हाथ के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला बाजूबंद के बिना 16 श्रृंगार अधूरा माना जाता है। 14वां श्रृंगार का सामान में आता है गजरा। गजरे से अपने बालों को खूबसूरत और चेहरे को चमकता बनाने की कोशिश भी भला कौन नहीं करना चाहेगा। 15वें श्रृंगार के सामान में है काजल। काजल आपकी आँखों और सौंदर्य को निखारने का काम करता है। 16 श्रृंगार के सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार में से एक है लिबास। चमकते कपड़े भी सुहाग की निशानी है। दुल्हन के लिए लाल रंग का शादी का जोड़ा शुभ व महत्वपूर्ण माना जाता है। ये रंग प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।